أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज पे आपका स्वागत है. दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के जंग के दौरान आपने नमाज पढ़ते हुए सिपाहियों की तस्वीर देखी होगी. इन मुस्लिम सिपाहियों को देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि रूस की ये मुस्लिम सेना कौन सी है. आज हम रूस की इस मुस्लिम सेना का सच आपको बताएंगे. लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, रूस की इस मुस्लिम फौज का नाम है हंटर फोर्स और यह रूस के इलाके चेचनिया से ताल्लुक रखती है. चेचन फाइटर्स का इतिहास काफ़ी पुराना है और ऐसा नहीं है कि ये यूक्रेन के खिलाफ सबसे पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, बल्कि 2014 से ही डोनेस्क लोहानस्क वार्क में रशियन मिलिट्री के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं. सीरियन सिविल वॉर में भी चेचन फाइटर्स रशियन फोर्सेस और सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद की फोर्सेस के साथ मिलकर रिबेल फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहे हैं. इतना नहीं दोस्तों, चेचन फाइटर्स खुद रशिया के खिलाफ भी लड़ चुके हैं. चेचन वॉरियर्स का पूरा इतिहास ही रशिया के खिलाफ लड़ते हुए गुजरा है. चेचन्या, जो कि नॉर्थ कॉकेसस में आता है, आज एक रशियन रिपब्लिक है. हिस्टोरिकल स्पीकिंग, कॉकेसस पर रशियन कब्जे से पहले कॉकेसस के कुछ हिस्से पर्शियन और ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में आते थे और कॉकेसस के कुछ हिस्सों पर आवार्स, सर्केशियंस और इन चेचन्स का राज था. रशियन एम्पायर ने कॉकेसस के हिस्सों पर कब्जा जमाने के लिए पर्शियन एम्पायर के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी, जिनको के रसो पर्शियन वॉर्स कहा जाता है. इसके बाद रशियन एम्पायर ने पर्शियन एम्पायर को शिकस्त देकर कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाया. इसी तरह रशियन एम्पायर ने उस्मानी तुर्क या फिर ऑटोमन एम्पायर को रसो टर्किश वॉर्स में शिकस्त देकर कॉकेसस के वो हिस्से जो कि ऑटोमन्स के कब्जे में थे उन पर अपना कब्जा जमाया. इसके बाद कॉकेसस के बचे हुए हिस्से पर कब्जा करने के लिए रशिया, ये चेचन फाइटर्स, आवार्स और सर्केशियन एम्पायर के बीच 100 साल से ज़्यादा अरसे तक जंगें लड़ी गईं, जिनको के रशिया सर्केशिया वॉर्स भी कहा जाता है. इनकी डेट 1763 से 1864 तक है. इन जंगों के दौरान मुस्लिम चेचन फाइटर्स जैसे कि इमाम शामिल, इमाम गाजी मोहम्मद, शेख मंसूर उशुरमा वगैरह ने रशिया के खिलाफ जिहाद किया. इन जंगों में दूसरे प्रोमिनेंट चेचन फाइटर्स जैसे कि ताइमिन, शुएब मुल्ला, हाजी मुराद, ईसा जंदरजन और तलहिग वगैरह शामिल थे. आखिर में 1859 में इमाम शामिल पकड़े गए और कैद कर लिए गए. उसके बाद 1871 में हज के दौरान उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन किए गए. दोस्तों, इन जंगों के ख़त्म होने के बाद 1864 से 1870 के बीच रशिया ने सर्केशियंस और चेचेंस के साथ एक जीनोसाइड किया, जिसको के सर्केशियन जीनोसाइड कहा जाता है. इसमें तकरीबन 15 लाख सर्केशियन और चेचेंस मारे गए या फिर अपने घरों से निकाले गए. सर्केशियन एम्पायर प्रेजेंट डे रशियन एरियाज और रशियन रिपब्लिक्स जैसे कि क्रास्नोदर क्राई, रिपब्लिक ऑफ एडिजिया, कराचे शर्खेसिया, कबार्दिनो बल्कारिया, नॉर्थ ओसीशिया अलानिया और स्टावरोपोल में फैला हुआ था. लेकिन इसके बाद भी चेचन फाइटर्स ने रशिया के खिलाफ अपनी जंगें जारी रखी. 1971 में रशियन रेवोल्यूशन के दौरान इंगुशेतिया, दागिस्तान और चेचनिया ने खुद को रशिया से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके माउंटेनस रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न कॉकेसस के नाम से एक कंट्री बनाई. टापा शर्मोव इस नई कंट्री के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर चुने गए. 1921 में सोवियत यूनियन ने इस कंट्री पर हमला करके इसको ज़बरदस्ती अपनी कंट्री में मिला लिया. सोवियत रूल के दौरान चेचनिया और इंगुशेतिया को चेचन इंगुश ऑटोनोमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का नाम दिया गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 50,000 चेचन्स और 20,000 इंगुश सोवियत यूनियन की तरफ से नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़े. लेकिन फिर भी सोवियत डिक्टेटर स्टालिन ने इंगुश और चेचन्स पर नाजी जर्मनी को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाकर 1944 में ज़बरदस्ती इन लोगों को कजाकिस्तान शिफ्ट कर दिया. इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लेंटिल कहा जाता है. इसमें सोवियत इंटीरियर मिनिस्ट्री NKVD के 1,00,000 सोल्जर्स और 19,000 ऑफिसर्स ने भाग लिया. तकरीबन 7,00,000 से ज़्यादा चेचन्स को कजाकिस्तान शिफ्ट किया गया था, उसमें से 4,00,000 मारे गए. 1953 में जोसेफ स्टालिन की डेथ हुई. इसके बाद 1956 में सोवियत यूनियन के लीडर निकिता ख्रुश्चेव ने चेचन्स को वापस कजाकिस्तान से अपने मुल्क चेचन्या में आने की इजाज़त दी. 1991 में सोवियत यूनियन के डिसॉल्यूशन के बाद जोकर दुदायेव की लीडरशिप में नेशनल चेचन कांग्रेस बनाई गई और चेचन्या को आज़ाद और सेपरेट मुल्क बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ. इसके बाद इस सिलसिले में रशिया और चेचन्या के बीच दो खूनी जंगें लड़ी गईं, जिनको के चेचन वॉर्स कहा जाता है. फर्स्ट चेचन वॉर 1996 से 1999 के बीच लड़ी गई. इसमें तकरीबन 10,000 से ज़्यादा रशियन सोल्जर्स, 10,000 के करीब चेचन फाइटर्स और 1,00,000 सिविलियंस मारे गए और 5,00,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए. ट्रीटी ऑफ मॉस्को के साथ ये जंग ख़त्म हुई. इस जंग में प्रोमिनेंट चेचन फाइटर्स ने हिस्सा लिया, जैसे कि जलीम खान,
असलन मस्खदोव, शामिल बसायव, अहमद जकायव, अहमद कादिरोव, दुक्का उमरोव और इब्न अल खत्ताब। इस जंग के बाद भी चेचनिया की ज़मीन पर खून बहना नहीं रुका और 1999 में सेकेंड चेचन वॉर शुरू हुई। इस जंग के सेकेंड हाफ में व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने। पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद रशियन एयरफोर्स, रशियन ग्राउंड फोर्सेस, इंटीरियर मिनिस्ट्री ट्रूप्स, FSB और स्पेशनेस स्पेशल फोर्सेस ने चेचनिया पर स्ट्रेटेजिक हमले करने शुरू किए और 9 महीने के बाद 2000 में चेचनिया पर डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश किया। इसके बाद चेचनिया में प्रो रशियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई और अहमद कादिरोव को इस गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। अहमद कादिरोव फर्स्ट चेचन वॉर में रशिया के खिलाफ लड़े थे और सेकेंड चेचन वॉर में उन्होंने रशिया का सपोर्ट किया। 2003 में चेचनिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके बाद चेचनिया को कुछ हद तक ऑटोनोमी मिली, लेकिन फिर भी चेचनिया रशियन फेडरेशन का हिस्सा ही बना। 2004 में अहमद कादिरोव की एक सुसाइड हमले में मौत हुई। इसके बाद 2007 में उनके बेटे रमजान कादिरोव चेचनिया के प्रेसिडेंट बने। 2007 से अब तक यही रमजान कादिरोव चेचनिया के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने ही अब 10,000 चेचन फाइटर्स को रशियन मिलिट्री के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने भेजा है। सेकेंड चेचन वॉर में तकरीबन 7,500 रशियन सोल्जर्स की मौत हुई, 15,000 चेचन फाइटर्स की मौत हुई और 100,000 के करीब सिविलियंस मारे गए। सेकेंड चेचन वॉर के बाद 2009 तक चेचन सेपरेटिस्ट ने चेचनिया में कुछ हमले भी किए, लेकिन जंग की सूरत हाल नहीं बनी। रमजान कादिरोव ने चेचनिया में चेचनिया की सिक्योरिटी और रूस की मदद के लिए तकरीबन 70,000 चेचन फाइटर्स की फौज भी खड़ी की है। अब फिलहाल चेचनिया में पीस एंड सिक्योरिटी है, लेकिन रमजान कादिरोव के रूल के बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आशा करते हैं कि चेचनिया के खून की प्यासी सरजमीन पर आने वाले वक्त में पीस एंड सिक्योरिटी रहे। दोस्तों, रशिया के इस मुस्लिम फौज पर कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।